तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, कंप्यूटर ने मनुष्य की दुनिया बदल दी। अब ये हमारी ज़िंदगी की आम जरूर बन चुका है, जब उंगलियों के दम पर सारा काम किया जा सकता है। एक तरफ जहाँ कंप्यूटर ने ज़िंदगी को आसान बना दिया है, तो वहीं ज़िंदगी बर्बाद भी कर दी है। जी हाँ, इसकी वजह है हैकिंग। कंप्यूटर का इस्तेमाल करते वक्त हर किसी को डर लगता है कि कहीं हमारा सिस्टम भी हैकिंग का शिकार न हो जाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे हैकर्स के बारे में जिन्होंने ऐसे काम किए जिसके सभी हैरान हो गए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया के खतरनाक जो हैकर है उसके बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं केविन पॉल्सन। केविन ने एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक कर लिया था और जो 100 जीत लिया था। 100 में जीतने के बाद उसे पुरस्कार मिली थी, जिसके बाद एफबीआई की नज़र उस पर पड़ गई थी, जिसके बाद उसने एफबीआई को भी नहीं छोड़ा और उनके सिस्टम को भी हैक कर लिया, जिसके बाद 51 हफ्ते की सज़ा सुनाई गई थी। बाहर आने के बाद वो पत्रकार बन गया और अब वो अमेरिकन पुलिस की मदद करता है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं केविन मिटनिक। केविन मिटनिक को अमेरिका का सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल माना जाता है। वो बड़े से बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट को भी हैक कर लिया करता था। केविन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम में सेग लगाई, साथ ही कॉरपोरेट सीक्रेट्स की फाइल भी आसानी से खोल निकाली थी, जिसके लिए उसे 25 साल के लिए जेल में भी जाना पड़ा था, जिसके बाद वो कंसल्टेंट बन गया और अब वो साइबर सिक्योरिटी को नई दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहा है। बता दें, केविन पर 2 हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं अल्बर्ट गोजालेस। ये एक ऐसा हैकर है जिसने करोड़ों लोगों को कंगाल बना दिया था। इंडिपेंडेंट की खबर के मुताबिक गोजालेस के पास 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल थी, जिसे बेचकर उसने करोड़ों रुपए कमाए। यही नहीं, वो फर्जी पासवर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे चीज़ें भी बनाया करता था, जिसके लिए उसे 20-20 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। उसकी ये सज़ा साथ में चल रही है अभी। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं रियान कॉलिंस। रियान कॉलिंस को सबसे खतरनाक हैकर माना गया है। वॉशिंगटन टाइम्स की खबर के मुताबिक इस हैकर ने जेनिफर लॉरेंस से लेकर कैट अपटन की न्यूड फोटो लिंक की थी, जिसके लिए सज़ा भी दी गई है। मोबाइल से प्राइवेट फ़ोटो, मैसेज और वीडियो निकालने में माहिर है। वो आईफोन और गूगल के पासवर्ड को भी हैक करके ज़रूरी जानकारियाँ निकालने में भी माहिर थे, जिससे हर कोई इसे खौफ खाता था। तो दोस्तों, आखिर में हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं जोनाथन जेम्स। जोनाथन ने ऐसा काम किया था जिसे नासा भी हैरान रह गया था। एनवाई टाइम्स की खबर के मुताबिक जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर नासा से नेटवर्क में अंतिम स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा था, जिसके बाद वो पुलिस के हाथ आ गया। जेम्स पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन उसने इन अपराधों से साफ इनकार कर दिया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, हमारी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।